हमास के खात्मे के बाद नेतन्याहू का प्लान। ईरान बनेगा नेतन्याहू का अगला टारगेट। पारस की खाड़ी में जंग का नया मोर्चा। नेतन्याहू ने हमास के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया था। 7 अक्टूबर को नेतन्याहू ने कहा था हमास का अंत तुरंत होगा। एक महीने के भीतर नेतन्याहू अपने लक्ष्य के करीब पहुंच गए हैं। जमीन से लेकर पाताल तक बने हमास के ठिकानों तक इजराइल की सेना पहुंच चुकी है। गाजा में इजराइल किसी भी वक्त हमास की संपूर्ण समाप्ति का ऐलान कर सकता है, लेकिन सवाल है कि हमास के अंत के बाद नेतन्याहू क्या करेंगे? क्या हमास के अंत के साथ ही इजराइल का युद्ध समाप्त हो जाएगा? इसका जवाब सीधे सीधे देना आसान नहीं है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने जमीन से लेकर समंदर और आसमान में जो तैयारियां कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ हमास के लिए नहीं है। फारस की खाड़ी में अमेरिका ने अपनी परमाणु पनडुब्बी यूएसएस फ्लोरिडा तैनात कर दी है। अमेरिका की ओईओ क्लास सबमरीन परमाणु ऊर्जा से चलने में सक्षम है। हालांकि अमेरिका ने दावा किया है कि वो इस पनडुब्बी में परमाणु हथियार नहीं रखता। यूएसएस फ्लोरिडा अमेरिका के उन 4 पनडुब्बियों में से एक है जिसे परमाणु मिसाइल दागने वाली पनडुब्बी से बदलकर जमीन पर वार करने वाली मिसाइलों के लिए तैयार किया गया। हालांकि ये दावा अमेरिका का है, लेकिन पर्शियन गल्फ में इसकी तैनाती ईरान के लिए सीधा संकेत है और इराक में ईरान समर्थित मिलिशिया के लिए भी ये खतरे की घंटी बजा चुका है। 7 अक्टूबर के बाद से अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर पहले से ही भूमध्य सागर में मौजूद हैं। युद्ध के बीच लाल सागर में अमेरिकी नेवी के डिस्ट्रॉयर लगातार अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रहे हैं। इजराइल पर यमन की ओर से हूथियों के हमले के खिलाफ लगातार ढाल का काम कर रहे हैं, लेकिन अब फारस की खाड़ी में परमाणु पनडुब्बी की तैनाती ने पूरे इलाके में टेंशन बढ़ा दी है। दावा तो यही किया जा रहा है कि अमेरिका की परमाणु पनडुब्बी की तैनाती ईरान को मैसेज देने के लिए की गई है, क्योंकि पर्शियमन गल्फ में अगर कोई अमेरिका और इजराइल का इकलौता दुश्मन है तो वो ईरान। यानी हमास के खात्मे के बाद अमेरिका को भी ये लग रहा है कि ईरान इजराइल के खिलाफ बड़ा खेल शुरू कर सकता है, और इसी खेल को समंदर के रास्ते रोकने के लिए ईरान ने मुकम्मल तैयारी की है।